हेलो फ्रेंड्स, चांदी के बर्तन साफ करने के लिए और इनको एकदम मार्केट जैसा नया और चमकदार बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वीडियो, जिसे आप मिनटों में अपने चांदी के बर्तन साफ कर सकते हैं। तो देखते रहिए ये पूरी वीडियो ये जानने के लिए कि हम किस तरीके से अपने बर्तनों को नया और चमकदार बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बड़े से बर्तन में पानी को बॉयल होने रख दिया है और हम लेंगे एल्युमिनियम फॉयल। इसकी हम शीट्स बनाएंगे और पानी में इसको अच्छी तरीके से डुबाएंगे। आप 5 से 6 शीट्स बना सकते हैं और इनको अच्छी तरीके से पानी में डुबो दीजिए। पानी खौल जाए उसके बाद हम लेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा की 3 टेबल स्पून हम पानी में ऐड करेंगे। उसके बाद एक एक करके आप अपने सारे बर्तन पानी में अच्छी तरीके से डुबो दीजिए। अगर आपको पानी की मात्रा कम लग रही है तो आप ऊपर से इसको बढ़ा सकते हैं। ये लगभग मैंने 2 लीटर पानी इस बर्तन में लिया है। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पानी का रंग चेंज होने लगा है, क्योंकि बर्तन हमारे साफ होने लगे हैं और पानी काला होने लग गया है। 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सारे बर्तनों को हम अच्छी तरीके से पानी में उबालेंगे और 1 मिनट के बाद गैस की फ्लेम सिम करके 5 मिनट तक हम इनको अच्छी तरीके से पानी में ही उबलने देंगे। आप लोग नोटिस करेंगे कि पानी का कलर धीरे धीरे एकदम गंदा होने लगेगा और बर्तन हमारे साफ होने लगेंगे। एल्युमिनियम फॉयल का रंग भी धीरे धीरे बदलने लगेगा, और जिसका मतलब है कि आपके बर्तन साफ हो रहे हैं। ये देखिए, 5 मिनट के बाद हमारे बर्तन अच्छी तरीके से साफ हो चुके हैं। अब हम इनको एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा कि बर्तन इस टाइम पे थोड़े गर्म रहते हैं, तो आप किसी चिमटे की मदद से सारे बर्तन निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं कि बर्तन बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हुए हैं, एकदम सफ़ेद हो गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा काले और ऑक्सीडाइज थे। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि इनमें कालापन बिल्कुल भी नहीं बचा है और एकदम सफ़ेद हो गए हैं। हाँ, इनमें अभी चमक की कमी है, जो हमारा सेकेंड स्टेप है उसकी वजह से इनमें चमक भी आएगी और एकदम ये बाजार की तरह नए हो जाएंगे। तो चलिए, ये थी हमारी लास्ट चम्मच, इसको भी निकाल लेते हैं और बर्तन ठंडे होने तक का इंतज़ार करेंगे। बर्तन यहाँ पे हमारे ठंडे हो चुके हैं। आप देख लीजिए, सारे बर्तन काफ़ी अच्छे तरीके से साफ हुए हैं, बिल्कुल भी इनमें कालापन नहीं बचा है। लोटा अंदर से बाहर से बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हुआ है। गणेश लक्ष्मी जी भी अच्छे तरीके से साफ हो गए हैं। दिया हमारा थोड़ा सा कम साफ हुआ है, इसमें हल्का सा कालापन अभी बचा है, लेकिन हमारा जो सेकंड स्टेप है उसके बाद दिए भी हमारे काफ़ी चमकदार हो जाएंगे। प्लेट की किनारी है, यहाँ पे डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। जहाँ पे भी आपको थोड़े डिज़ाइनदार बर्तन मिलेंगे वहाँ पे आपको हल्का हल्का कालापन रह जाता है, लेकिन हमारे सेकंड स्टेप से वो अच्छी तरीके से साफ हो जाएंगे। तो सेकंड स्टेप के लिए मैंने लिया है यहाँ पे माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और आप देखिए, जैसे ही हम माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको साफ करना शुरू करते हैं, बर्तन कितने ज़्यादा चमकदार बन गए हैं, उनका सफ़ेदपन हट गया है और ये फिर से चमचमाने लग गए हैं, है ना। अगर आपके घर में माइक्रोफाइबर कपड़ा नहीं है तो आप इसकी जगह पे मसलिन क्लॉथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी उतना ही सॉफ्ट होता है और वो आपके बर्तनों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उन पे किसी प्रकार की खरोचे नहीं लगती है, और आपके बर्तन हमेशा हमेशा के लिए चमकदार ही रहते हैं। तो चलिए, अच्छी तरीके से पोंछ लेते हैं और आप देखिए लोटा कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, एकदम मार्केट की तरह नया नया हो गया है, है ना। तो चलिए, अब ये दिए को भी साफ कर लेते हैं। आपने देखा कि दिया में हल्का हल्का सा कालापन बचा है, लेकिन जैसे ही हम कपड़े से साफ करेंगे आप देखेंगे कि उसका कालापन कपड़े में आ रहा है और हमारा दिया साफ हो रहा है। इसी प्रकार से हम सारे बर्तनों को अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे और वापस से चमकदार बना लेंगे। गणेश लक्ष्मी जी भी हमने अच्छी तरीके से साफ कर लिए हैं और ये हमारी अगली दिवाली की पूजा के लिए बिल्कुल तैयार है। सारे बर्तन अच्छे तरीके से साफ हो चुके हैं। अब इनको मैं एक बटर पेपर में लपेट के अच्छे तरीके से एक प्लास्टिक के जिप लॉक में बंद करके रख दूंगी, ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो सके और जब अगली बार यूज करना होगा तो ये ऐसे ही चमकदार निकलेंगे।